बहुत ही दुख की बात है, जाने माने बड़े यूट्यूबर सब बर्बाद हो गया। उनके घर में इतनी बड़ी हादसा हो गई है, सब कुछ बर्बाद हो गया, जल के राख हो गया, भस्म हो गया। यानी मतलब निशा दीदी, निशा जलवंशी के घर में, उनके घर में आग लग गई है और उस सारा बेड कपड़े उपड़े सब जल के राख हो गया, भस्म हो गया। और आग किसने लगाई है, आइए हम आप लोग को बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दर्पण भंडारी श्यामला सिंह ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में सब व्यस्त होंगे। व्यस्त रहना भी चाहिए, तभी आप अपनी फैमिली को अच्छी खुशियाँ दे पाएंगे। और मैं भी दोस्तों बहुत अच्छी हूँ, आप लोग को दुआ से। तो दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए आए भूले भटके, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग शुरू आज करिए, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, तभी आप लोग को पता चलेगा जो आग किसने लगाई है और इतनी बड़ी हादसा मतलब कैसा हो गया है। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, निशा जलवंशी के घर में अभी अभी मैंने वीडियो देखा है यूट्यूब पे, काफ़ी तेज़ी से मतलब दर्द भरा सीन देखने को मिल रहा है। निशा दीदी गई थी राधा दीदी के घर पे, शांति के डिलीवरी होने वाला है, उसमें जाने के लिए सब लोग तैयार थे और निशा दीदी अपने घर पे नहीं थी जिस वक्त उनके घर में आग लगी है और बेड जल के राख हो गया, आधा बेड बचा हुआ है और सारे कपड़े जितने भी थे सब जल के भस्म हो गया, यानी मतलब बर्बाद हो गया है। और दोस्त जानते हैं, जो एक एक सामान दोस्तों अपने लोग मेहनत दिन रात यूट्यूब पे लोग मेहनत कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और कुछ सामान लेते हैं तो और तो कितनी खुशी मिलती है, लेकिन उनके ही घर में आग लग के सब कुछ बर्बाद हो जाना, जल के राख हो जाना, कितना दर्द होता है। वो सीन देख के दोस्तों बहुत ही दर्द हुआ। और वो भी शादी का पेट था, सोचिए, जो अगर माँ पापा शादी में कुछ देते हैं या गिफ्ट किसी को कुछ देते हैं तो उसकी क्या कीमत रहती है, क्या वैल्यू रहती है, सोचिए। और वो भी लोग 100 रुपये का भी दुपट्टा होता है तो चलो, उसको बहुत ही लोग यूज करते हैं और उनके इतने सारे कपड़े में सारा कुछ जल के दोस्तों राख हो गया है और सारा घर बिल्कुल ब्लैक हो गया है, तहस नहस हो गया है। निशा दीदी बहुत रो रही है, तो रोएगी कैसे नहीं दोस्तों, जिसके साथ इस तरह का हादसा हो जाए वो रोएगी नहीं तो क्या करेगी, नाचेगी, बताइए। मतलब यूट्यूब पे कुछ ऐसा देखने को मिल रहा था मोमेंट, खुशी खुशी कुछ ऐसा लग रहा था, कुछ ना कुछ दोस्तों पता नहीं क्या हो जाता है, होनी को टाल तो नहीं सकते हैं। ये वीडियो देख के और उनके बारे में सुन के बहुत ही दुख लगा, लेकिन आप क्या, होनी को तो कोई रोक नहीं सकता है। और दोस्तों, निशा दीदी राधा दीदी के पास में गई थी, अपने घर पे नहीं थी, उस दौरान इनके घर में आग लगती है और इस तरह की घटना होती है, इस तरह की सब कुछ बर्बाद हो जाता है, जल के राख हो जाता है, समझ में नहीं आता है दोस्तों। अगर अपने घर पे वो अगर रहती तो इस तरह का हादसा नहीं होता, लेकिन आप क्या करें, बेचारी गई थी, जो शांति के पास कुछ कोई ऐसा नहीं है, तो राधा दीदी और निशा दीदी दोनों मिल के जा रही थी हेल्प करने के लिए और इस तरह का देखिए सिचुएशन उनके पास में आ गया, बहुत ही दुख हुआ। अब क्या कर सकते हैं, बताइए। और दोस्तों, आप लोग कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताना, और आप लोगों को जो मेरी बात झूठ लग रही है तो आप लोग निशा दीदी के चैनल पे जाके वीडियो देखिए जो मैं झूठ बोल रही हूँ, कि मैं सच बोल रही हूँ। मैं फेक वीडियो दोस्तों नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरा सब मुझे कमेंट में गाली दे रहे हैं, जो व्यूज कमा रही है, डॉलर छाप रही है, झूठ बोल रही है, ये कर रही है, ये कर रही है। अभी तक मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ है, मैं ऐसे ही वीडियो बनाती हूँ, मुझे वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आप लोगों तक सच पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। मैं फेक वीडियो नहीं बनाती, झूठी खबरी नहीं बनाती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे बार 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 टॉर्चर कर रहे हो, बार बार गाली दे रहे हो, अश्लील अश्लील गाली दे रहे हो, लेकिन मैं उसका रिपीट नहीं करूँगी। वो आप लोग की संस्कार है, वो हमारी संस्कार नहीं है। और दोस्तों, देखिए जाके अपनी निशा दीदी के चैनल पे, बहुत ही दुख लगा और कई लोग देखे भी होंगे। थोड़ी सी मैं वीडियो डालने में लेट हो गई, मेरे इसलिए लेट हो गई, जो मेरी बेटी का भी पेपर चल रही है और मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरी अभी बेटी है और वो भी फाइनल पेपर चल रहा है। मैं सोचती 2-4 दिन थोड़ा बहुत वीडियो ही लेट जाएगा या 1-2 दिन नहीं भी जाएगा, तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं थोड़ा बहुत डाल रही हूँ। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग अच्छे अच्छे कॉमेंट कर रहे हैं, आप लोगों को दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार दुलार बरसाते रहिए, आशीर्वाद देती रहिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।